इनको अच्छी तरह से सुनिए। या उनकी वर्डिंग थी एसआरओ 202 की तरह आपका हम दो साल मैंने कर दिया 202 आपका एसआरओ हो गया इनका, आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी और आपका टाइम पीरियड 2 ईयर्स का किया जाएगा। कौन सा 2 ईयर्स का टाइम पीरियड, ये तो टर्मिनेशन के लिए बोल रहे हैं। ओ गोली, दोना गोली हमें, हम मार दे अपने आप को। उनको कह रहे हैं कि अब आप घर बैठिए और दोबारा एग्जाम दीजिए। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है एक एम्प्लॉयड के लिए जो 4 सालों से अपनी सुबह शाम दिन रात ड्यूटीज देते हैं और आज ये कहते हैं कि दोबारा एग्जाम दीजिए। कुछ समझ नहीं आता, दर्द नहीं दिखता किसी का। ये बेटी बचा रहे हैं अपने देश की, एक बेटी सड़क पे है, एक बेटी पूछ रही है ना बाहर आओ। बेटियों की बात करोगे तो बेटियों की हालत देख लो, इस समय गर्मी में कैसे सड़ रही है, नारेबाजी कर रही है। हम लोगों ने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है इसका एहसास गवर्नमेंट को नहीं होगा। दूर दराज गांव में रह के हम लोगों ने अपनी एजुकेशन हासिल की, आज हमसे हमारी जॉब भी छीन रही है तो हम बोलेंगे नहीं, डू और डाई वाली बात होगी। भाजपा सरकार का नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर की बेटियों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा। और ये तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस जम्मू के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर रहबरे खेल एम्प्लाइज में जो भी ख्वातीन है वो आज किस तरह से सड़कों पर एहतजाज कर रही है। आखिर बीजेपी का वो नारा आज कहां गया जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही थी। लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रहबरे खेल एम्प्लाइज यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया खान है, मैं रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीम। मैम कभी सोचा था कि डिपार्टमेंट में काम करने के बाद फिर इस तरह से सड़कों का रुख करना पड़े? हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जब J&K स्टेट को UT बनाया गया था तो एक J&K के जो एम्प्लॉयज थे उनमें एक खुशी की लहर थी। वो लहर ये थी कि हमें यूटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। हम जो रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स थे, हमें ये लग रहा था कि हमारे जो नॉर्म्स हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू यूटी मिलेंगे, हमें मिनिमम वेज जो है एक्ट जो है वो हमें लागू किया जाएगा। मिनिमम पे वेज देना तो दूर की बात है, ये तो हमें जो ऑलरेडी यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं वर्क टीचर्स, ये उनको कह रहे हैं कि अब आप घर बैठिए और दोबारा एग्जाम दीजिए। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है एक एम्प्लॉयड के लिए जो 4 सालों से अपनी सुबह शाम दिन रात ड्यूटीज देते हैं और आज ये कहते हैं कि दोबारा एग्जाम दीजिए? ये पॉसिबल नहीं है। हम तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाए। बीजेपी का कोई लीडर आपसे बातचीत करने आया सुबह से? आप यहाँ पर एहतजाज कर रही है? सुबह से यहाँ कोई भी लीडर नहीं आया है। ये बिल्कुल रविंदर रैना जी, जिनके पास हम इतनी बार अपनी डेलीगेशन लेके गए हैं, ये उनके वर्ड्स हैं। रविंदर रैना जी अगर आप सुन रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से सुनिए। ये उनकी वर्डिंग थी एसआरओ 202 की तरह आपका हम दो साल मैंने कर दिया 202 आपका एसआरओ हो गया इनका, आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी और आपका टाइम पीरियड 2 ईयर्स का किया जाएगा। कौन सा 2 ईयर्स का टाइम पीरियड, ये तो टर्मिनेशन के लिए बोल रहे हैं। मतलब ये कौन सा गुंडा राज है, कहाँ का राज है ये? आप रेगुलराइज करना तो दूर की बात, आप रातों रात ऑर्डर कुछ भी निकाल के आज दे देते हैं कि ऐसा। इसी भाजपा सरकार ने ये नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमारे जम्मू और कश्मीर की बेटियां भी उस नारे में कहीं आपको शामिल दिखती हैं? सर आप ये जम्मू कश्मीर की जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, पिछले कितने टाइम से हर कोई एम्प्लॉय कभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स, कभी कोई, कभी डेंटल वाले, कभी कोई, हर एक एम्प्लॉय जो है वो सड़क पे है। और बेटियों की बात करोगे तो बेटियों की हालत देख लो, इस समय गर्मी में कैसे सड़ रही है, नारेबाजी कर रही है। हम लोगों ने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है इसका एहसास गवर्नमेंट को नहीं होगा। दूर दराज गाँव में रह के हम लोगों ने अपनी एजुकेशन हासिल की और आज गवर्नमेंट बोलती है दे आर बैकडोर्स। कहाँ से बैकडोर्स है? गवर्नमेंट सोई थी जब ये बैकडोर लग रहे थे, तब गवर्नमेंट कहाँ थी? जब डीसीज ने इंटरव्यू कंडक्ट किए तब गवर्नमेंट कहाँ थी? और ये कमेटी जो हमारी बनी थी ये 27 फरवरी 2020 में बनी थी और इस कमेटी का आज आफ्टर टू प्लस हो गए समझो, आज ये लोग इस कमेटी का हमें आंसर दे रहे हैं कि यू आर दिस एंड ये पोस्ट जो है री एडवर्टाइज होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वी आर वर्किंग लास्ट 4 ईयर्स, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, हमने अपना खून पसीना यहाँ बहाया है ग्राउंड्स में, हम ऐसा कतई भी नहीं होने देंगे। मैम क्या इस वक्त आप उस हालत में हैं कि आप फ्रेशर्स के साथ कंपटीशन कर पाएंगी, उनके साथ एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई कर पाएंगी? देखिए जो बच्चे BPED कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो MPED में है इस टाइम, दे हैव फ्रेश माइंड्स। हमें अपने घर का वर्कलोड है, वी आर फीमेल्स। फॉर एग्जांपल मैं एक फीमेल की बेटी बचाओ जो बेटी ये अभियान इन्होंने चलाया है,
फीमेल, एक फीमेल को अपना घर भी देखना है, एक फीमेल को अपना बच्चा भी देखना है, स्टिल वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, दिन रात अपने डिपार्टमेंट को काम दे रहे हैं, हमारे पास कहाँ से टाइम आएगा, हमारे पास इतना दिमाग फ्रेश नहीं बचा है कि हम फ्रेश कैंडिडेट के साथ फाइट कर सके। हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ऑर्डर को जो है आप रिवोक करें। इतनी 4 साल सर्विस करने के बाद हमें ये नहीं पता था कि हम ऐसे रोड पे आएंगे, ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें आश्वासन देते रहे और झूठे आश्वासन देते रहे, हम इनकी बातों में आते रहे और आज हमें बोल दिया कि आपको टर्मिनेट कर दिया है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आप पेपर क्लियर करके आओ, आपको JKSSB के थ्रू आना है। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने अपनी सर्विस पूरी डेडिकेशन के साथ की है, कोविड में काम किया, हर जगह काम किया, और इन लोगों ने सिर्फ हमारा यूज़ किया है, सिर्फ हमारा यूज़ किया और कुछ नहीं किया है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, ये बेटी पढ़ाओ बचाएंगे, एक बेटी क्या, सारी बेटियां यहाँ सड़कों पे हैं, सारी बेटियां सड़कों पे हैं, क्या बेटी बचाएंगे और क्या बेटी पढ़ाएंगे? ये क्या बोलूंगी मैं अपने बच्चों को कि पढ़ो, पढ़ने के बाद ये सब है, वोट है, प्रोटेस्ट है, यही सब करना है। इतनी डिग्रीज करने के बाद हमें मिला क्या, क्या मिला हमें? बीजेपी वालों ने कहा था हम रोजगार देंगे जम्मू कश्मीर के नौजवान, ये दिख रहा है आपको रोजगार, ये दिख रहा है आपको रोजगार, जो रोजगार था वो भी छीन लिया, जो था वो भी छीन लिया हमसे, तो क्या रोजगार देंगे ये हमें? क्या लगता है आपको क्यों बीजेपी को ऐसे कानून पास करने पड़े जिसे हमें पता ही नहीं है कि वो ऐसे कानून रातों रात कैसे पास करते हैं? कोई भी कानून होता है रात को पास कर देते हैं, साइन करने से पहले उनको हमारा ख्याल नहीं आया, हम वर्कर्स का ख्याल नहीं आया, हमारी फैमिलीज का ख्याल नहीं आया, उनको हमारा पेन नहीं दिखा कि फैमिली जुड़ी है साथ में, हमारा काम नहीं दिखा। बीजेपी लीडर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ये हमें हमेशा बोलते रहे कि आज आपका काम हो रहा है, कल आपका काम हो रहा है, आज आपका काम हो रहा है, यही काम किया इन्होंने हमारा, ये तो बाहर तक नहीं आ रहे हैं, ये तो बाहर तक नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, दर्द नहीं दिखता किसी का। ये बेटी बचा रहे हैं अपने देश की, एक बेटी सड़क पे है, एक बेटी पूछ रही है ना बाहर आओ, कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान होता है कि हम बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, सब फेक प्रॉमिसेस हैं इनके, बाहर आके फेस टू फेस बात करो ना, अगर ऐसे ही मारना तो मार दो ना, दो गोली हमें, हम मार दे अपने आप को, सब कुछ खोखला साबित हो रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे J&K में कुछ होता ही नहीं है, हमारा 370 भी हमसे छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा, हर चीज हमसे छीनी, हमने कुछ नहीं कहा, आज हमसे हमारी जॉब भी छीन रही है तो हम बोलेंगे नहीं, डू और डाई वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इम्प्लीमेंट होते होंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन्हें फिर सड़कों पर लाओ और वहाँ पर वो धक्के खाएंगी। ये हालत है हमारे जम्मू और कश्मीर की, और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम सड़कों से नहीं उठेंगे। हालांकि काफ़ी घंटे से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक बीजेपी का कोई लीडर भी इनके पास यहाँ पर नहीं आया, किसी बीजेपी लीडर ने जहमत नहीं की कि इन लोगों की बात सुनी जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।